हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। द फर्स्ट वन इज ऑन योर स्क्रीन। इफ द 10 मीटर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 1 mm ऑन द मैप, देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज ऑप्शन ए 1/100, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/1000 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव फ्रेंड्स। राइट, सो सबसे पहले आप सोच लीजिए कि इस जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता फ्रेंड्स तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम RF के नाम से जानते हैं, वो है क्या और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर उसकी डेफिनेशन आपको नहीं पता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ऐसी है कि भाई, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल्स टू आपको याद रखना है दादा, बस खत्म। ये एमसीक्यू का आंसर आपको मिल गया फ्रेंड्स। राइट, आपको याद रखना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज इक्वल टू दादा। जहां पे ये दादा का क्या मीनिंग होता है, दादा में देखो ये जो डी ए है तो यहां से आपको स्लैश कर देना है, मतलब ये जो डी है, ये डी है, इट इज स्टैंड फॉर द ड्रॉइंग लेंथ। फ्रेंड्स, ये जो डी है वो क्या है, ड्रॉइंग लेंथ है। एंड जो नीचे ए है, दैट ए इज नोन एज द एक्चुअल लेंथ। राइट, वो क्या है, एक्चुअल लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। सो वी हैव द डेफिनेशन ऑफ RF, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ ड्रॉइंग लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, सो यहाँ पे इन गिवन एमसीक्यू आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है, एक 10 मीटर की लेंथ है। राइट, एक 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है, उसको 1 mm में रिप्रेजेंट किया है, मतलब ड्रॉइंग लेंथ यहाँ पे क्या हुई फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉइंग लेंथ हमारी हुई 1 mm। और एक्चुअल लेंथ फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ है 10 meters। राइट, सो हियर इट इज 10 meter। राइट, बट यहाँ पे यूनिट अगर फ्रेंड्स आप देखोगे तो यूनिट क्या है, दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे mm है, यहाँ पे मीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये 10 meter है, उस 10 meter को हम क्या करेंगे, mm यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव 10 meter इक्वल्स टू, राइट, कितना आएगा, हमें मिलेगा 1000 centimeter मिलेगा। एंड 1000 centimeter इक्वल्स टू, हम उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 10000 mm। अब ये कैसे आया, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर ये कैसे आपने किया। सो फ्रेंड्स देखो, 1 meter इज इक्वल टू क्या होता है, 1 meter इज इक्वल टू होता है 100 centimeter। राइट, सो अब हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 meter है। सो 10 meter इक्वल्स टू कितना होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मीटर का डायरेक्टली mm नहीं होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं। सो 10 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, सो 10 मीटर इज इक्वल टू, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करो 10 × 100, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 1000 centimeter। राइट, मतलब 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, 1000 centimeter। अब आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि 1 centimeter इक्वल्स टू कितना होता है, mm में होता है 10 mm। 1 centimeter इज इक्वल टू होता है 10 mm, हमारे पास कितना है, 1000 centimeter है। सो यहाँ पे लिखेंगे 1000 centimeter इक्वल्स टू कितना होगा, तो इन दोनों का फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो हमें मिलेगा इट इज 10000 mm, मतलब 10 meter इक्वल्स टू 1000 centimeter एंड 1000 centimeter इज इक्वल टू 10000 mm। सो हमें इनडायरेक्टली क्या मिला कि 10 meter इक्वल्स टू क्या मिला, ये 10000 mm। सो वही मैंने किया है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 1 divided by 1 mm divided by 10000 mm। राइट, सो क्या ये आपका आंसर आपके एमसीक्यू में दिया है 1/10000, चेक करिए, नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडक्शन स्केल। राइट, तो अगेन यहाँ पे रिडक्शन स्केल, स्केल की बात हो रही है फ्रेंड्स, स्केल की बात हो रही है। राइट, तो कौन सा स्केल रिडक्शन स्केल नहीं है, ऑप्शन ए है 1/1, ऑप्शन बी है 1/200, ऑप्शन सी 5/320 एंड ऑप्शन डी है 5/6। राइट, तो स्केल के बारे में, तो अगेन स्केल है वो किसके साथ रिलेटेड है फ्रेंड्स, RF के साथ रिलेटेड है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के साथ आपका स्केल जो है। राइट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल आते हैं, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, वो सब क्या होता है, RF के साथ रिलेटेड है। तो RF की डेफिनेशन वहां पे भी आपको याद होनी चाहिए, अगर स्केल का कोई आपको क्वेश्चन पूछता है तो। अगेन RF की डेफिनेशन आपको पता है, RF इज इक्वल टू दादा, दैट इज ड्रॉइंग लेंथ अपन एक्चुअल लेंथ।
तो यहां पे देखो ड्रॉइंग लेंथ आपकी, सपोज हम तीन ऑप्शन लेते हैं, हमारे पास तीन टाइप्स के स्केल होते हैं, एक होता है रिडक्शन स्केल राइट, दूसरा होता है इनलार्ज स्केल, इनलार्ज स्केल एंड तीसरा होता है फुल स्केल। ये तीन टाइप्स के स्केल होते हैं। अब रिडक्शन स्केल मतलब क्या कि जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उससे कम लेंथ का हम अगर ड्रॉइंग में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब देखो ड्रॉइंग लेंथ हमारे ऊपर है, नीचे एक्चुअल लेंथ है, मतलब कि 1/2 आधा किया, 1/2 मतलब आधा किया। देखो यहां पे 1 क्या है, 1 है हमारा ड्रॉइंग लेंथ, यहां पे 2 हमारा क्या होगा एक्चुअल लेंथ, मतलब एक्चुअल लेंथ जो होगी ऑब्जेक्ट की उससे अगर हम आधा करते हैं या फिर उससे छोटा अगर हम ड्रॉइंग लेंथ में बनाते हैं तो वो वाला स्केल कहलाएगा रिडक्शन स्केल राइट। इससे उल्टा 2/1 मतलब कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, देखो 1 यहां पे क्या है एक्चुअल लेंथ, भी एक्चुअल लेंथ 1 है राइट, लेकिन हम ड्राइंग में उसको क्या दिखा रहे हैं 2 मतलब ज्यादा दिखा रहे, तो वो वाला स्केल हो जाएगा इनलार्ज स्केल। एंड तीसरा फुल स्केल, फुल स्केल मतलब 1/1 मतलब हमारी एक्चुअल लेंथ जो होगी वही आपकी ड्रॉइंग लेंथ रहेगी, मतलब जो ट्रू लेंथ है वही हम ड्रॉ कर रहे, तो वो वाला स्केल कहलाएगा फुल स्केल राइट। सो इन दिस गिवन एग्जांपल, ये जो हमारा एमसीक्यू है उसके अंदर आप देखो सबसे पहला ऑप्शन ए मतलब 1/1, तो 1/1 मतलब वो क्या हो गया फुल स्केल हो गया। फिर देखो 1/1/200 मतलब 1/200 मतलब जो आपकी 200 जो आपकी एक्चुअल लेंथ है उससे आपके क्या क्या है ड्रॉइंग लेंथ कम दिखाया है, मतलब वो आपका हो गया रिडक्शन स्केल ऑप्शन बी। ऑप्शन सी वो भी क्या हो गया रिडक्शन स्केल हो गया, क्योंकि 5/320 है मतलब एक्चुअल लेंथ 320 है, आपने ड्रॉइंग लेंथ दिखाई है 5, तो वो भी रिडक्शन स्केल हो गया, अगेन ऑप्शन सी इज अगेन रिडक्शन स्केल। एंड लास्ट वाला ऑप्शन डी आप चेक करिए 5/6 मतलब 6 इज द एक्चुअल लेंथ एंड 5 इज द ड्रॉइंग लेंथ, मतलब आपने ड्रॉइंग लेंथ कम बनाई है, तो अगेन वो भी क्या हो गया रिडक्शन स्केल हो गया। मतलब ऑप्शन बी सी एंड डी वो तीनों रिडक्शन स्केल है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए दैट इज फुल स्केल है। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पे आपको ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडक्शन स्केल राइट, कौन सा स्केल रिडक्शन स्केल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज नॉट रिडक्शन स्केल, वो क्या है फुल स्केल है फ्रेंड्स। तो इस एमसीक्यू से बहुत सारे और भी एमसीक्यू आपको जीटीयू में पूछ सकते हैं और काफी सारे एमसीक्यू बन भी सकते हैं, तो एक ही एमसीक्यू क्वेश्चन हमने बहुत सारा कवर अप कर लिया है राइट। अब बढ़ते हैं आगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन, ऑप्शन बी ऑब्जर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आइए इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल दें, कैसे इसका आंसर आएगा, किस तरह से इसमें और भी क्वेश्चंस निकल दे वो बात करेंगे। सो फ्रेंड्स इस एमसीक्यू को इसका जो सॉल्यूशन है उसको समझने के लिए हमें पहले सब क्वाड्रेंट जो रहते हैं राइट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होती है, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, ये चार जो अलग अलग टाइप्स की प्रोजेक्शन मेथड होती है राइट, उसको समझना जरूरी है। और इस एक पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत से एमसीक्यू निकल सकते हैं फ्रेंड्स, आपको काफी यूजफुल रहेगा। सो ध्यान से देखिए, देखो ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट की सिस्टम जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के उसको यहाँ पे मैंने बना दिया है राइट। दिस वर्टिकल दैट प्लेन इज नोन एज द वर्टिकल प्लेन, हियर दिस होरिजेंटल प्लेन इट इज नोन एज द होरिजेंटल प्लेन राइट। यहाँ पे आपको सिंपल एक्स वाई, देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हियर द प्रोजेक्शन वी आर गेटिंग दैट प्रोजेक्शन इज नोन एज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। उसके पीछे वाला ये वाला जो क्वाड्रेंट है दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है यहाँ पे ये कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है दिस इज नोन एज द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, यहाँ पे आपका अगर ऑब्जेक्ट है और आप देख रहे हो तो वो होगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो ऑब्जर्वर रहता है वो ऑलवेज यहाँ पे ही खड़ा होता है, मतलब कोई भी आपका एंगल हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो, सेकंड एंगल हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, आपका ऑब्जर्वर ऑलवेज कहाँ पे होगा यहाँ पे ही होगा राइट, कहाँ पे होगा यहीं पे ही खड़ा होगा और यहीं से वो देखता होगा, ठीक है यहां से ही देखेगा अगर फर्स्ट में है, यहां से ही देखेगा अगर सेकंड में। नीचे की बात करें थर्ड एंड फोर्थ एंगल, तो भी वो आपका ऑब्जेक्ट है राइट, वो आपका जो ऑब्जर्वर है वो ऑलवेज यहीं पे खड़ा होगा और यहां से ही देखेगा, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा राइट, इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट एंगल की, तो फर्स्ट एंगल में देखो अगर यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ पड़ा है राइट, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, तो इसका अगर मुझे प्रोजेक्शन लेना है तो यहां से मैं देखूंगा, मतलब ये ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, सो दैट इज नोन एज द फ्रंट व्यू, फ्रंट से देख रहा है और इसका प्रोजेक्शन हमें वर्टिकल प्लेन के ऊपर मिलेगा राइट। यहां से ऊपर से देखेगा राइट, दैट इज नोन एज द टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा है और उसका प्रोजेक्शन हमें मिलेगा एचपी के ऊपर
राइट। सो दिस इज इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सेकंड के अंदर भी वही होगा, यहां से ही देखेगा, लेकिन यहां पे आगे प्लेन नहीं है, राइट। यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से देखेगा, यहां पे आगे प्लेन नहीं है तो उसके प्रोजेक्शन पीछे की ओर खींचेंगे, इस प्लेन के ऊपर, मतलब वीपी के ऊपर। टॉप व्यू अगेन यहां पे आपको एचपी पे मिलेगा। थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल पे देखो, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे ड्रॉ किया है, राइट। सो इसके प्रोजेक्शन अगर मुझे लेने हैं तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जर्वर यहीं पे रहेगा, यहां से देखेगा, राइट। थर्ड एंगल में ये आपका प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब मुझे इस प्लेन के पूरा क्रॉस में देख सकता हूं, इसके आगे का मैं देख सकता हूं, ये प्लेन जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लेन है, मैं देख सकता हूं। सो यहां से मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है और उसके प्रोजेक्शन में अगेन यहां पे खींचूंगा वीपी के ऊपर, राइट। और उसका जो टॉप व्यू है मैं ऊपर से देखूंगा और वो मैं इसके एचपी के ऊपर लूंगा, राइट। सो ये जो हमारा एमसीक्यू है उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या पूछा है कि भाई थर्ड एंगल के अंदर, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में नीचे में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो थर्ड एंगल में क्या है कि ऑब्जर्वर यहां पे रहेगा, दिस इज माय ऑब्जर्वर, राइट। दिस इज माय ऑब्जर्वर हियर, दिस इज माय प्लेन जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा, राइट। ट्रांसपेरेंट इले पारदर्शक, उसके आर पार हम देख सकते हैं। एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज अबाउट द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। जबकि फर्स्ट एंगल की अगर आपको पूछ ले तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, तो फर्स्ट एंगल में अगेन देखो ये मेरा ऑब्जर्वर है, सो हियर इट इज माय ऑब्जर्वर, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड हियर इट इज माय प्लेन, राइट। सो इन रिस्पेक्ट टू दिस एमसीक्यू अगर फर्स्ट एंगल का पूछते हैं तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पूछा है तो आपका सीक्वेंस रहेगा ऑब्जर्वर प्लेन एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहां पे ऑब्जेक्ट उसके जो ऑप्शंस है वो आप चेक कीजिए। यहां पे हमें थर्ड एंगल के बारे में पूछा है, सो थर्ड एंगल में आपका रहेगा ऑब्जर्वर प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। अगर यही एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाए कि भाई फर्स्ट एंगल में कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट एंगल में आपका हो जाएगा ये वाला ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड प्लेन, गेट इट। सो एक ही एमसीक्यू में दो हो गए, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इज नॉट यूज्ड बिकॉज, ठीक है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑप्शन ए प्लान इज अबव एक्स वाई, बी बोथ व्यू ओवरलैप इच अदर, सी एलिवेशन इज अबव एक्स वाई, डी व्यू आर स्मॉल इन साइज। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि भाई सेकंड एंगल है हमारे, हम जनरली जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वहां पे हम सिर्फ फर्स्ट एंगल, ये जो फर्स्ट एंगल रहती है वो मेथड, या फिर थर्ड एंगल मेथड का ही यूज करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ, क्यों, उसका आंसर देखते हैं। यहां पे आपको पूछा है कि सेकंड एंगल मेथड हम क्यों यूज नहीं करते, तो देखो सेकंड एंगल क्यों यूज नहीं करते उसको समझने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहा हूं, ये मेरा एक स्क्वायर ब्लॉक है, राइट। तो इसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है सेकंड के लिए, राइट। तो ट्रांसपेरेंट है, मुझे पारदर्शक है, वहां से पूरा मैं देख पाऊंगा, इसका प्रोजेक्शन मैं यहां पे लूंगा ऐसे, राइट। तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, एक ऐसे स्क्वायर मिलेगा ऑन दी वीपी, राइट। ऊपर से देखूंगा टॉप व्यू में, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, राइट। सो ऊपर से देखूंगा तो इसके प्रोजेक्शन मुझे यहां पे नीचे ऐसे मिलेंगे, राइट। वो भी मुझे क्या मिलेंगे, ऐसे मुझे स्क्वायर मिलेंगे, राइट। सो ये मेरा होगा यहां पे टॉप व्यू एंड हियर इट इज माय फ्रंट व्यू, ये मुझे टॉप व्यू फ्रंट व्यू मिल गए। अब ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू को हमें रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में बताना है, तो दिस इज माय रेफरेंस लाइन, ये एक्स और वाई ये है मेरी रेफरेंस लाइन, उसके रिस्पेक्ट में मुझे बताना है इन अ 2D फॉर्म। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एज पर दी रूल्स, ये जो होरिजेंटल प्लेन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आफ्टर दी प्रोजेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओनली ये जो होरिजेंटल प्लेन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है एट अ 90 डिग्री। कितना रोटेट करना है, कोई आपको पूछेगा भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट करना है होरिजेंटल प्लेन को, तो वो करना है आपको 90 डिग्री। तो इस होरिजेंटल प्लेन को आफ्टर दी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मिल जाने के बाद मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। सो रोटेट करूंगा तो ये टॉप व्यू है वो मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी, ये मेरा हो जाएगा यहां पर चला जाएगा ऐसे, ऐसे मुझे मिलेगा, राइट। सो इसका मुझे 2D ड्रॉइंग अब कैसे दिखेगा, 2D ड्रॉइंग मुझे दिखेगा, देखो ये मेरा एक्स वाई लाइन हुआ, ठीक है, मैं यहां से देखूंगा, ये मैं ऑब्जर्व, यहां से मुझे दिखेगा तो भाई एक्स वाई लाइन है, मैंने ये यहाँ एक्स वाई लाइन दिखाई और उसके ऊपर मुझे कुछ ऐसे मिलेगा ये और ये, मतलब ये मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा टॉप व्यू है, राइट। तो यहां पे देखो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होता है वो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग
सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सो यहां पे आपका जो एमसीक्यू उसमें क्या वो ऑप्शन में है? हाँ, राइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बोथ व्यू ओवरलैप ईच अदर, और कैसे ओवरलैप होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यही क्वेश्चन में आपको और भी पूछ सकता हूं कि भाई सेकंड एंगल की जगह यहां पे ऐसा लिख दे भाई फोर्थ एंगल में, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम क्यों यूज नहीं करते, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड है वो हम क्यों यूज नहीं करते, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, सेम रीजन आएगा, सेम रीजन आएगा कि बोथ व्यूज आर ओवरलैप। लेकिन जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं वो थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आपको देखना है, वो हम समझ लेते हैं कि भाई फोर्थ एंगल के अगर बारे में या फिर कोई ट्विस्ट करना चाहता है सेकंड एंगल या फोर्थ एंगल का तो क्या हो सकता है। सो हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन इज नॉट यूज्ड बिकॉज़, आपको पता है कि भाई ओवरलैप होता है, फोर्थ में भी ओवरलैप ही होगा, मैं दिखाता हूं आपको। लेकिन यहां पे देखो, ऑप्शन ए, फ्रंट व्यू इज अबव रेफरेंस लाइन एंड टॉप व्यू इज बिलो रेफरेंस लाइन, बी टॉप व्यू इज अबव रेफरेंस लाइन एंड फ्रंट व्यू इज बिलो रेफरेंस लाइन, सी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ ओवरलैप ऑन ईच अदर एंड बिलो रेफरेंस लाइन, डी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ ओवरलैप ऑन ईच अदर एंड अबव द रेफरेंस लाइन, राइट। तो चार ऑप्शन मैंने देख लिए यहां पे, आपको बता दिए। अब देखिए फोर्थ एंगल में यहां पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन भी पूछा है कि भी रेफरेंस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है या रेफरेंस लाइन के नीचे। तो सेकंड एंगल की अगर आपको बात करेंगे, सेकंड एंगल में अगर ऐसा लिखा है कि भी रेफरेंस लाइन के ऊपर है, रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो इन रिस्पेक्ट टू सेकंड एंगल क्या आएगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। लेकिन फोर्थ एंगल में अगर हम देखेंगे तो सी दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट, इसका मैं फ्रंट व्यू यहां से लूंगा, सो ये मुझे यहां पे मिलेगा ऐसे, राइट। तो मैं यहां पे मेरा ये फ्रंट व्यू मुझे मिल गया, इसका टॉप व्यू मैं ऊपर से लूंगा पीछे की साइड जाएगा, तो यहां पे मुझे ये मेरा टॉप व्यू मिल गया। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मतलब ऐसे रोटेट होगा, पूरा ऐसे रोटेट होगा, तो ये आपका जो टॉप व्यू है वो सीधा कहां पे, यहां पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, सो दिस इज माय फ्रंट व्यू, दिस इज माय टॉप व्यू, इट इज माय एक्स वाई लाइन, सो दिस इज सेकंड एंगल। अब फोर्थ एंगल का मैं यहां पे बनाऊंगा, सी एक्स वाई, ये मेरा एक्स वाई लाइन हुआ, और एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है, मतलब दिस इज माय फ्रंट व्यू एंड दिस इज माय टॉप व्यू। सो इन अ फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोथ द व्यू टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आर ओवरलैपिंग बट बिलो द रेफरेंस लाइन, राइट। फॉर सेकंड एंगल इट इज अबव द रेफरेंस लाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओवरलैपिंग एंड फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, राइट। नाउ देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल के अंदर जो वर्टिकल प्लेन होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है या ओपेक होता है? सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट એટલે આર પાર જોઈ શકે એવું, ઓપેક એટલે એની આર પાર જોઈ શકાય નહીં, બરાબર છે? અગર પૂછાય તો તમે એમસીક્યુ માં લખી શકો છો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન યે રહા આપકી સ્ક્રીન કે ઉપર, ઇફ ધ લાઈન ઇઝ પેરેલલ ટુ એચપી એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વીપી ધેન વોટ વિલ બી ઇટ્સ ફ્રન્ટ વ્યૂ, ઠીક હે, ફિર સે મેં રિપીટ કરતા હું, ક્વેશ્ચન હે ઇફ ધ લાઈન ઇઝ પેરેલલ ટુ એચપી એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વીપી then what will be its front view, option a line with true length, option b line with reduced length, c point, d none of the above। ab is question ko hum samajhte hain ki isme kya hai aur kaise iska solution nikalenge। so friends is wale question mein ek line hai, right, so aapko ye thodi purple color ki pata nahi kaun sa color hai, right, so ye ek line hai samajh lijiye, aur ye line ka aapko pucha hai ki bhai ye jo line hai na it is parallel to hp and perpendicular to vp, राइट सो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, तो सबसे पहले पैरेलल टू एचपी है तो यहां पे ये प्लेन है मेरा, तो ये प्लेन को मैं ऐसे रखूंगा ना, ये ऐसे, तो ये हो जाएगी एचपी को पैरेलल, ऐसे मैं रखूंगा तो इट इज परपेंडिकुलर टू एचपी हो जाएगी, राइट। इसके साथ साथ देखो अगर परपेंडिकुलर टू एचपी मेरा अगर ऐसे में पेन को रखूंगा तो उसके साथ साथ ये वीपी को क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी इन दिस कंडीशन, ऐसे रखा तो पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी फ्रेंड्स, राइट। सो दिस इज माय एचपी एंड दिस इज माय वीपी, ये प्लेन मेरा वीपी है। सो यहां पे आपको ये बोला है कि जो पेन जो लाइन है द लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, राइट। सो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, सो ये जो लाइन है इस लाइन को मैं यहां पे कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा कुछ, ये मेरी लाइन हुई, राइट। सो ये देख सकते हो आप कि ये जो लाइन है, लाइन ए बी मैंने नाम दे दिया, ये लाइन है वो लाइन वीपी को क्या है, परपेंडिकुलर है, यहां पे वो परपेंडिकुलर है और एचपी को वो क्या है, पैरेलल है, तो उसका फ्रंट व्यू फ्रेंड्स क्या आएगा। तो फ्रेंड्स यहां से अगर मैं देखूंगा ये लाइन है और इस लाइन को मैं अगर यहां से देखूंगा
तो वो मुझे क्या दिखाई देगा, ये देखो ये पेन का एक ही पॉइंट मुझे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिखेगा। मतलब इसका मैं फ्रंट व्यू अगर यहां से इस प्लेन पे बनाऊंगा सो इट विल लुक्स लाइक हियर एज अ पॉइंट, राइट। लेकिन सेम एमसीक्यू में अगर आपको ऐसा पूछा हो कि लाइन है वो पैरेलल टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू वीपी है और उसका टॉप व्यू क्या दिखेगा, तो टॉप व्यू में फ्रेंड्स देखो ऊपर से मैं देखूंगा तो ये लाइन पूरी मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिखेगी, मतलब ए बी एचपी के ऊपर मुझे दिखेगी और वो क्या होगी, ट्रू लेंथ मुझे दिखेगी, राइट, इन अ लाइन फॉर्मेट, लाइन फॉर्मेट में ट्रू लेंथ मुझे दिखेगी इन अ टॉप व्यू, ये मेरा टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा ये पॉइंट। सो इन दिस एमसीक्यू उसका ऑप्शन आप चेक कीजिए, ऑप्शन ए था लाइन विथ ट्रू लेंथ वो नहीं आएगा, बी लाइन विथ रिड्यूस लेंथ वो भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी दैट इज पॉइंट। सो यहाँ पे फ्रंट व्यू आपको फ्रेंड्स क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग इफ इट्स ट्रू लेंथ इज 35 mm, राइट। ऑप्शन ए 28.56, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42.89, ऑप्शन डी 25.38। तो यहां पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन के बारे में, आइसोमेट्रिक व्यू या फिर इसको आप कह सकते हो ड्राइंग भी कह सकते हो, दोनों सेम ही चीज है, आइसोमेट्रिक व्यू कहो या आइसोमेट्रिक ड्राइंग करो, राइट कहो, ये एक चीज हुई। दूसरी चीज आती है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, राइट। सो फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग के बीच और फिर व्यू के बीच क्या डिफरेंस है, तो आइसोमेट्रिक व्यू का आपको पूछा है तो वहां पे जो लेंथ होती है जो ड्रॉइंग हम करते हैं उस ड्रॉइंग के अंदर लेंथ कौन सी लेते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जो रहता है उस ऑब्जेक्ट की हम ट्रू लेंथ लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रू लेंथ, मतलब जो लेंथ दी गई होगी वही लेंथ हम ड्रॉइंग में यूज करेंगे। जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट, उस ऑब्जेक्ट का जब हम ड्रॉइंग करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके, आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके हम रिड्यूस लाइन, रिड्यूस लेंथ लेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल एक्चुअल लेंथ होगी उससे हम थोड़ी कम ड्रॉइंग करेंगे, और वो कितनी कम हम ड्रॉइंग करेंगे तो वो होगी 0.815 या फिर √2/√3, राइट। सो अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि भाई आइसोमेट्रिक व्यू और ड्रॉइंग में एक 10 mm की लाइन है तो उसका एक्चुअल जब ड्राइंग करेंगे तो कितनी लेंगे, सो 10 mm की लाइन है तो वहां पे हम ड्राइंग करेंगे तो वो भी कितनी लेंगे, 10 mm ही लेंगे। लेकिन 10 mm की लाइन है, राइट, यहां पे समझते कि भाई 10 mm की लाइन है तो वो 10 mm की लाइन आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग अगर हम बना रहे हैं तो वहां पे ये 10 mm लाइन की लेंथ कितनी लेंगे, 10 mm ही लेंगे, मतलब जितनी है उतनी ही लेंगे, एक्चुअल लेंथ ही लेंगे, ट्रू लेंथ लेंगे ड्राइंग के अंदर। जबकि 10 mm की लाइन है और उसका हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10 mm की एक्चुअल लेंथ है, ट्रू लेंथ 10 mm है तो वो 10 mm को हम क्या करेंगे 0.185 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें मिलेगी 8.15 mm। तो इतनी लाइन हम एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे, जब ड्रॉइंग करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे 10 mm लाइन का तो वो 10 mm की लाइन हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 8.15 mm बताएंगे, और व्यू या फिर ड्रॉइंग के अंदर वो हम कितनी लेंगे, ट्रू लेंथ लेंगे, मतलब जितनी होगी उतनी ही हम ड्रॉ करेंगे, राइट। सो इन दिस एमसीक्यू हमें ये पूछा है कि व्हाट विल बी द आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग, मतलब आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग में लेंथ कितनी होगी, राइट, और ट्रू लेंथ आपको दी है 35 mm की एक लाइन है, 35 mm की लाइन है तो वो 35 mm की लाइन आइसोमेट्रिक व्यू में या फिर आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग में, ड्रॉइंग लिखा है यहाँ पे, सो ड्रॉइंग में कितनी होगी, तो वो कितनी होगी फ्रेंड्स, एक्चुअल 35 है तो वो भी हम कितनी बनाएंगे, 35 ही बनाएंगे। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 35 mm, राइट। यहां से और भी क्वेश्चन एमसीक्यू वो निकाल सकते कि भाई 35 mm की लाइन है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसको ड्रॉ करना है तो कितनी लेंगे, तो 35 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 0.815 कर देना है, 0.815 कर देना है और जो आपका आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है।